जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी अग्निवीर कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे 22 और 23 अप्रैल में जो हुए हैं ऑल शिफ्ट्स के सभी सवालों के जवाब। तो सभी सवालों के जवाब हम लगाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले आगामी क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो देख के जाइए, इसी बेसिस पे तैयारी करिए और इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन ये लेकर आया हूं, आया क्या है, आया ये है मेरे भैया, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, मैंने पढ़ाया था ये भी, गुजरात का है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, रमेश बेस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना है ये यहां से, यानी कि जो राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। देखिए अब यहां पर आया है ये क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर प्रसाद जो है हमारे, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही बढ़िया है, ये विदेश मंत्री हैं हमारे। नेक्स्ट आता है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, बांधों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पढ़कर जाइए सभी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऐसे ही एक और है, मैं आपको बताता हूं कि तुंगभद्रा परियोजना है, तो तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। भाखड़ा बांध है, किसी भी प्रकार से बांधों से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए नहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे स्वेज नहर है वैसे जवाहर नहर भी है। योजना कब शुरू हुई थी, तो 1989 में हुई थी। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अब पहला भी पूछ लेते हैं, इस वक्त का भी पूछ रहे हैं, तो जॉन बिडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस वक्त। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है जी, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस वक्त यहाँ के यानी कि भारत के जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। इसी प्रकार से महात्मा गांधी से जुड़े हुए सवाल भी बहुत बार आते हैं, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो उनकी हुई थी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। इन्हीं की जो डेथ हुई थी महात्मा गांधी जी की, तो उसी को शहीदी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रख लेना है। वर्तमान प्रधानमंत्री जो है यानी कि नरेंद्र मोदी, वो कौन से नंबर के हैं, तो मैंने पहले बताया था 15 नंबर पर आते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, देखिए चीफ जस्टिस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से बच्चों ध्यान से रखिए, रितु बहारी जो है वो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद बगड़िया जो है वो 16वें अध्यक्ष बने हैं। इसी प्रकार से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। देखिए शिफ्टों में क्वेश्चन आया हुआ है। दांडी यात्रा, देखिए फिर से मैंने बोला महात्मा गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं और वहीं से आते हैं, अहमदाबाद साबरमती आश्रम के पास जो है से उन्होंने दांडी मार्च यात्रा की थी। इसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां से फहराया था, तो आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, तो उन्होंने जो है लाल किला से, जो है लाल किला रेड फोर्ट, ठीक है, वहां से। और ये कहां पर है ये भी याद रखना है, दिल्ली में है। कुछ बच्चे को तो पता ही नहीं लगता है, DELHI, ठीक है, दिल्ली। अयोध्या मंदिर, ये देखिए अयोध्या मंदिर जो है, मंदिर से अयोध्या में किसका मंदिर है, ये भी पूछ सकते हैं, राम भगवान का है। उसका उद्घाटन कब हुआ था, 2024 को, किसने किया था, मोदी ने किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार से अलग होकर नया जो राज्य बना है वो झारखंड बना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आया हुआ क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। मैंने कहा है ना आपको, अधिकारों से अनुच्छेद जो आएंगे ही आएंगे, एक अनुच्छेद पूछा जाए। आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है, तो सैम कुरेन। यानी कि देखिए आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और करंट भी आ रहे हैं, ठीक है। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे है, तो भाला फेंकने से है। अंशी राष्ट्रीय
उद्यान कहाँ पर है? तो अंशी जो है वो है कर्नाटका में। कहाँ पे है जी? कर्नाटका में स्थित है जी। नेक्स्ट एक और बताता हूं क्वेश्चन, शिकागो किस झील के पास, शिकागो किस झील के पास है? तो मिशिगन झील ऑप्शन होगी ये, आपने चेक करना है आपके पास ये ऑप्शन आई थी कि नहीं आई थी। मालाबार युद्ध अभ्यास, देखिए युद्ध अभ्यास तो आना ही था, मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए थे, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, भारत और यूएसए और जापान ऑस्ट्रेलिया सभी चारों देशों के बीच में कंबाइंड हुई थी ये एक्सरसाइज। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आपको पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। यूएनओ का मुख्यालय हेडक्वार्टरों से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकता है फिर से अगले शिफ्ट में, कल भी आ सकता है, 24 तारीख है, 24 को भी आ सकता है, 25 वाली में आ सकता है। तो आपने इस तरीके से आपने जो सिलेबस है उसको आप डिस्टिंग्विश करिए कि आपने अगर हेडक्वार्टर पढ़ रहे हो ना तो हेडक्वार्टरों की लिस्ट अलग से बना लो, एक चीफ जस्टिस की अलग से बना लो और सीएम की अलग से बना लो और साथ में गवर्नर की और अलग से बना लो, लिस्ट बना लो भैया इस प्रकार से है। फिर परियोजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो डेफिनेट आपका पेपर क्लियर होगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए और लेकर आया हूं जनरल साइंस के हैं, जैसे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़े की है, ठीक है, मैसेटर, ठीक है, और पानी में घुलनशील विटामिन बी सी है। और अगर बसा में पूछा हो ना, बसा मतलब फैट्स में, तो आपने के ई डी ए, ठीक है, तो ये चार विटामिन होते हैं फैट्स में, ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे भैया? अवतल लेंस का करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप उसको भी प्रिपेयर करिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड है। एम्पियर की इकाई, एसआई यूनिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा ही आ रहा है भैया, इसको परफेक्ट कर लो, ठीक है। विद्युत धारा से जुड़ा हुआ है। पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पेड़ के नीचे क्या होती है? जड़े, तो जड़े ही बोलेंगे, ठीक है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? मैंने बताया था कि आपको कि ओजोन में जो है छेद हो गया है, तो पराबैंगनी किरणें जो है वो हमें बचाती हैं, तो जे फॉर्मेन ने किया था, अंटार्कटिक में है महासागर में। डीपीटी का टीका, ये डीपी सीरिया थीरिया और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, ये इन बीमारियों के लिए है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणुओं का भार था। क्या था? परमाणुओं का भार था। इसी प्रकार से मानव मूत्र 6 होता है, उसमें ज्यादा ज्यादा शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुगर, जिनको शुगर हो तो उसमें शुगर मिलेगी, नहीं तो यूरिया। ठीक है, यूरिया, 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 ठीक है, यू आर ई ए होना, ठीक है। बर्तनों पर लिखावट में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो HNO3 का, यानी कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को का मात्रक पूछा गया है, दाब ही इसका मात्रक है। और यंत्र पूछा जाए तो बैरोमीटर आपने लगाना है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की है, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे, छोटी हड्डी भी पूछ सकते हैं, बड़ी पूछ सकते हैं, छोटी जो है वो आपकी कान की होती है, स्टेपीज, ठीक है। तो नींबू में कौन सा अमल है, ये क्वेश्चन आपको आया था, तो नींबू में सिट्रिक एसिड है। मानव हृदय के कितने चैम्बर्स हैं, यानी कि कोष्ठ हैं? तो 4 आए हैं। मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है? तो सरीसृप है, ठीक है। कोशिका, देखो मैं बार बार बोलता रहा था ये क्वेश्चन आएगा, तो रॉबर्ट हुक जो है वो सही आंसर है। ओम का नियम ऐसे भी बना सकते हैं, तो V=IR, ठीक है। कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो
आई होगा, आर नहीं होगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, आर जो है वो फिक्स रहेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का। वृकक की संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है जी, यानी कि किडनी, किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाहनों की गति किसमें मापते हैं, यानी कि वाहनों, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बन रहा है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। मछली सांस कैसे लेती है, गलफड़े से, गिल से लेती है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल आया था, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं की भी याद रख लेनी है 309, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य विकक लाइम जो है नाम है इसका। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे, बहुत ही सिंपल सवाल थे कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर जो है वो 20% लाभ हुआ, ठीक है। तो 960 रुपए में बेचा तो 20% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे बताएंगे, सीपी, ठीक है। तो 960 100/120 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 100/120, जीरो से जीरो जाना था, दो चार से काट लेते हैं, है ना, चार तीय 12, चार दुनी 8, चार चौके 16, जीरो आ गया, तीन से तीन 8 24, और कितना हो गया बेटा 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया। ये हमने आंसर निकाला है जो कि छात्रों से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और उनसे पूरी हमने कलेक्शंस लेकर आकर आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 1 आदमी कितने दिन में करेगा। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 1 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो D2 निकालना है, MDH फॉर्मूला है, 50/1, यानी कि D2 कितना हो गया, 50 ही हो गया मेरे लाडलो। तो ये हमारे सवाल इस प्रकार से जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव में, तो आपको परफेक्ट करने हैं, ठीक है। अगला सवाल, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को, बहुत देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एक 10 में कर रहा है, एक 20 में कर रहा है, 20 इसका एलसीएम आ गया था, 2 1 आ गया, ये 1 आ गया, 3 ये हो गया, तो 20/3, तो 6 3 18 और 19 20, यानी कि ब्रेक करके। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से जो है ना आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इस पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है, ठीक है। वृत्त है तो आपको पता है सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल अलग अलग से होंगे, तो उनकी परिधि का क्या फॉर्मूला होगा, उसका होगा 2πRH, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, 2πR, ये हमारा रेडियस के लिए आएगा 2πR, ठीक है। तो 2πR आएगा, तो ये 1 का आ गया 2πR, दूसरे का भी आएगा πR² 2πR², इससे ये गया पाई से पाई गया, ठीक है, स्क्वायर गया, ठीक है। तो 3 और 7, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, और 9 आ गया ना 3 का स्क्वायर, तो और 7 का क्या 49 आ गया, ठीक है। तो 9 और 49 ही आंसर होगा, कितना होगा, 9 और 49 आंसर होगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 11 11 11 का औसत ज्ञात करिए। तो 11 कितने, 1 2 3 4, 44 हो गए, 44/4, तो फिर से आ गया 11 ही। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और आया था, एक आयत की लंबाई 60 मीटर एवं क्षेत्रफल 840 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें।
आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यानी कि ये है एक आयत है और 840 इसका क्षेत्रफल है। अब आपको पता ही है रेक्टेंगल है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, जो कि एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया हो गया 840, लंबाई 60 दी है, चौड़ाई निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो चौड़ाई इक्वल टू 840 बटा 60, 6 से ये गया, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौके 24 है ना, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 14 आ रही है, ठीक है। तो 14 मीटर ये आंसर बैठ रहा है। तो इस प्रकार से होने थे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो इनको परफेक्ट कर लो। नेक्स्ट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी ये है, अगर बड़ी पूछी होती तो कितनी होती, 3 अंकों की, 3 अंकों की होती 9 9 9। तो ये है बहुत ही सिंपल से सवाल आए थे आपके एग्जाम में, तो ये बैठ रहे हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, 250 केजी का 10%, सही है ना, ये क्वेश्चन है, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 250 केजी का 10%, तो 250 गुना 10%, यानी कि 10/100, 0 से 0 गए तो कितना आ गया, 25 केजी, कितना आ रहा है, 25 केजी। बहुत ही सिंपल सवाल आए थे आपको पेपर में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अपने अपने आंसर को मैच करो, और क्वेश्चन कितने हुए हैं वो जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको इन्हीं में से आए थे ना क्वेश्चन। तो किसी संख्या के 3 गुणा करके 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को ज्ञात करें, यानी कि संख्या बतानी है, तो संख्या यानी कि संख्या एक्स होगी, तो एक्स का को 3 गुणा किया, उसमें 1 जोड़ा तो वो 10 के बराबर हो गया, तो 3x बराबर है 9 हो गया, तो x बराबर है 3 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं था, 3 गुणा करने को बोला तो 3x हो गया, उसमें 1 जोड़ने को बोला या घटाने को बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हम वही कर देंगे ना मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें, दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो बोला है वो काम करो। अगला क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको कई बार बताया है, 4 का स्क्वेयर है तो 16 ले लो, 4 चौके 16, माइनस हर बार 2 स्क्वेयर करना है, तो 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14 आंसर, ठीक है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता देता हूं, ये जो अगर पूछा हो और ये आपके पास दिया हो, तो हर बार आपने ए स्क्वेयर माइनस 2 करना है, क्या करना है, ए स्क्वेयर माइनस 2 करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई। अगर कोई बोलेगा नहीं डिटेल में बता दो, तो डिटेल में सुन लो, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 4 है, स्क्वेयरिंग कर दीजिए, x प्लस 1 ओवर x का भी स्क्वेयर, 4 का भी स्क्वेयर, इसका तो हो गया 16, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, x x गया, x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14 आ गया ना, पर इतना लंबा नहीं करना होता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका दिया। अगला HCF से जुड़ा हुआ है, देखो वाला इतना इजी क्वेश्चन है, 45 था, 50 था, 90 था, ठीक है, 45 से कम 45 पर 50 के में नहीं आता है, अब क्या करेंगे, अब इससे छोटा देखो, 9 5 45, 10 5 50, और ये किसके टेबल में, 5 से ही जाएगा, कौन सा, 25 नहीं जी, 20 में नहीं आएगा, 15 5 75, देखो देखो 90 किससे जाएगा, ना लगे पता तो यूं बना लो, 5 से ले लो, 5 1 5, 5 8 40, 18 5 90, 18 5 90, ये देखो 5 यहां पर, यहां पे 5, यहां पे 5, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है 5, इसलिए आंसर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट बन जाता है भैया, 10 से विभाज्य है, तो ये आपकी ऑप्शन पे डिपेंड था, 110 आंसर होगा, ठीक है। 2500 का रुपए है, 5% साधारण वर्ष पर दिए थे, 3 वर्ष का ब्याज निकालना था, तो 2500 का आपने 5% निकाल लेना था, 125 हो गया, 3 वर्ष का बोला 125 125, कर लो 5 5 15, 1 2 2 4 1 6 1 7, 375, कितना आ रहा है, 375 आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल सही आ रहा है, देखो B
ब्याज इतना सिंपल सिंपल से सवाल आ रहे हैं, बहुत साधारण ब्याज चैप्टर को आप पक्का करके जाओ तो डेफिनेटली आपका पक्का हो जाएगा ना भैया। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर, ये देखिए बहुत ही सिंपल बोर्ड मास से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। बोर्ड मास का देखिए, 10 × 1/2 भाग की जगह उल्टा कर देते हैं, गुना 5 − 3 × 7, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21 आ गया ना 4। तो डायरेक्ट आपको आंसर हमने दे दिए हैं और आपको ये परफेक्ट करने हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है, 15 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ठीक है जी, 15 के 5 गुणजों का अब औसत निकालना है। 15 के 5 गुणज यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए कौन कौन से, यानी कि 15 के तो 15 ये आ गया, फिर उसके बाद 30 आएगा, फिर 45, फिर 60, ठीक है, फिर 75, ठीक है, इन सबको जमा कर लो और डिवाइडेड बाय 5 कर लो, सिंपल है ना भैया। ठीक है, इनको प्लस करके तो कितना आ जाएगा, 225 / 5, 5 × 20 और 5 × 45, तो 45 ही आपका हल आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आता है भैया, डायरेक्ट आंसर आता है। एक और देखिए, ये बहुत सिंपल सा था, 0.0036 का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ठीक है 36 आ रहा है, तो 36 × 1, 2, 3, 4, 4 0 आ जाएंगे। अब काटिए इसको, किससे कटेगा जी, 2 से काटना शुरू कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 0 × 0 = 0, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0 × 0 = 0, तो 9/2500। तो ये ऑप्शन थी आपको, जो अपने आंसर जो है ना वो मैच करने थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए हैं आपको पेपर में। एक और क्वेश्चन आया था, इसको सरल करें, सरल मतलब एक दूसरे से कट रहे हैं, 3, 27, 21, 3 से कट रहे थे है ना भैया। इतने सिंपल से सवाल आ रहे हैं इस बार, तो भैया आर्मी वालों ने ना सोच लिया आप सबको लेके जाना है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको तैयारी कर लो भैया, तैयारी कर लो। अब ये क्वेश्चन भी था, इसका 5 आंसर था हमने निकाला हुआ है, कैसे है, ए और बी की आयु का अनुपात ये है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, बी की आयु 15 है, अब बोला है इसकी आयु 15 है, ए की आयु बता दो, ठीक है, अब ए की आयु कैसे बता सकते हैं, ठीक है, अब तभी बता सकते हैं क्योंकि ये अगर इसका 3 गुना है तो ये 5 से गुना हुआ, तो 5 × 3 = 15 बने, तो इसको भी 5 से कर दो, तो 5 × 1 = 5, तो ए की वैल्यू 5, तो डायरेक्ट आंसर हो रहा है, बन रहा है। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, अगर आपको समझ आ रहा है तो साथ साथ में कमेंट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है, अब कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षय, अब देखिए कमेंट आ रहे हैं कि पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, पेपर बढ़िया ही होगा, और आप बताओ कि कमेंट करके क्वेश्चन यहां से आए थे नहीं आए थे, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आए थे कि बाहर से आए थे, ये जरूर बताना है आपने, ठीक है। तो 200 वस्तुएं थी को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो हानि हुई है, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट भी है, वाई ओवर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 100, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का, ठीक है, तो क्या है आपकी वाई की वैल्यू यानी कि 50 आ गया, और 50 ये हो गया और 200 ये हो गया, 250 हो गया, गुणा 100 हो गया, कर लो कैलकुलेट, 0 से 0 गया, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी कि 20, तो 20% ये है। देखिए मैच करिए, मैच करिए, इसी में से क्वेश्चन था, अर्ध गोले का सूत्र पूछा था, सूत्र है ये, सूल कर दिया, सूत्र पूछा था, हाँ आए हैं क्वेश्चन बेटा अक्षय, देखिए देखिए इकाई का अंक पूछा था, एक क्वेश्चन ये है,
ठीक है, इकाई का अंक पूछा है, तो सबसे लास्ट लास्ट की वैल्यू इकाई की लेनी होती है, ये और ये, ठीक है। अब कितना हो गया जी, 9 चौके 36 हो गए, और 36 ये आ गया ना, 4 गुना 4 गुना 9, तो कितना हो गया, 144, ठीक है। तो यहां पर इकाई का अंक कितना आया, 4, तो इसलिए आपका आंसर इज 4, ठीक है भैया। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, अभी बहुत से क्वेश्चन लगने वाले हैं वीडियो में, आप बने रहो हमारे साथ, सारी शिफ्टें लगाएंगे हम, सभी शिफ्टों का एनालिसिस चल रहा है। ये 70 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण जो है वो 30 लीटर पानी है, दूध की मात्रा, देखो मिश्रण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत बार मैंने पूछे हैं क्वेश्चन, तो 70 लीटर में यानी कि 30 ये हो गया, 30/100 यानी कि कितना आ गया आपका 21, अगर 21 आपका आ गया तो टोटल जो है वो दूध कितना था, 70 लीटर था, 70 में से 21 क्या है आपका पानी है, ठीक है। तो 70 में से 21 माइनस कर दो कितने आ गए 49, तो 49 क्या निकल गया, 49 दूध निकल गया, और ये 21 क्या निकल गया जी, 21 आपका पानी निकल गया, ये पानी है ये दूध है मिल्क। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चन होंगे, आज के भी होंगे, आज के भी क्वेश्चन यानी कि हर शिफ्ट के 22 और 23 की हर एक शिफ्ट को हमने कंप्लीट बताना है, आज बैठे रहो हमारे साथ। त्रिभुज बोलते हैं, जो तीनों तरफ से बंद हो जाए तो उसे त्रिभुज बोलेंगे, ट्रायंगल, सिंपल सा था ये। है हमारी अगली शिफ्ट के क्वेश्चन, देखिए, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ था, तो भारत के साथ पाकिस्तान हुआ था हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश अलग से हुआ है, वो बाद में हुआ है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है जी, देखो इसमें भी यही सेम सवाल पूछा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान। आर्थिक सम्मेलन 2024 दावोस में हुआ था जी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कहां की थी, तो यूपी की ही थी, ये यूपी वाला क्वेश्चन था। मैच करो अपने अपने क्वेश्चंस, वीडियो को शेयर कर दो कि सबको पता लग जाए, दोस्तों को कि यहीं से आए थे कि नहीं आए थे, और उनके सही हुए हैं कि नहीं हुए। 2014 का जो है खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सचिन तेंदुलकर है, पहला खिलाड़ी है बच्चा, पहला खिलाड़ी है जिसको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह भी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अभी पीछे से हमारा फिर से इसकी सेरेमनी मनाई गई है ना, अप्रैल महीना ही चल रहा है, सोच लीजिए। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये गंगोत्री आपको पता ही है, गंगा है जहां से निकली है, गंगोरी लिखा है, त्री होगा, ये बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा हमने भी फटाफट ही लिखे हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम पूछा है, जहां पे महात्मा गांधी को दफनाया गया है। तो मैं बोल रहा हूँ हर शिफ्ट में ना महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने ना इसको पढ़ लीजिए और एक बार परफेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट मैच करते रहो, मैच करते रहो। चिल्का झील कैसी झील है, खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है, ये भी नोट कर लेना आपने, ठीक है। बिहू नृत्य असम का है। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल होगा ये, फील्ड मार्शल किस सेना का रैंक है, तो भारतीय सेना का फील्ड होगा ये, ठीक है। राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो अगला सवाल मैथ का क्या था, 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब अभाज्य यानी कि विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स कौन से हो गए जो अपने टेबल में आते हैं, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 हो गए, उन्हें 5 कितने चाहिए थे। अच्छा अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य यानी कि आपको जो है 9 नहीं आएगा, 9 जो है वो इसमें नहीं काउंट होगा, क्योंकि 3 3 9 होते जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है बच्चा। तो कितने हो गए जी, अब गिन लो, 11 और 7 18, 18 तो 5 कितने हो गए आपके, 23 और
तीन और डाल लो, 26, तो 26/4, ठीक है, तो इसका आ गया 6.5, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, 20 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है आपके लिए, और भी एनालिसिस हम लेकर आएंगे इसी क्वेश्चंस के, आपने बने रहना है हमारे साथ डेली के लिए, ठीक है। तो 20 संख्याओं का औसत 8 है, तो 20 संख्याओं का औसत 8 है, तो 20 × 8 कर लो, कितना हो गया, 8 × 16 = 160। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 100 हो गया। अंतिम 10 संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है, 10 लेफ्ट रह गई है, यानी कि इसको इससे माइनस कर लो, ठीक है, कितना रह गया, 60 आ रहा है, 6 बता रहे हैं, अच्छा 10 का पूछा है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत रह गया 60, तो 60/10 कितना हो गया जी, 6, और औसत कितना आ गया, 10 संख्याओं का औसत 6 हो गया, 10 संख्याओं का औसत जो 60 के बराबर था, तो इसलिए 6 आंसर, ठीक है जी। देव और माया की वर्तमान आयु इतनी है, 2 और 3 5 वर्ष बाद 5 और 7 हो जाएगी, माया की अनुपात पूछा है, माया ये है, तो मैंने बताया 3 ये लिख लो, फिर 7 - 5 कर दो, बदला हुआ अनुपात क्रॉस में भी 15, 5 * 15 और 7 × 2 = 14, तो कितना आ जाएगा बच्चा बोलो, 6 आ रहा है मेरा, तो 6 आ रहा है, किसको सही आंसर क्या आया था आपके हिसाब से, आंसर मैच नहीं कर रहा इससे, देव और माया, अच्छा मैंने 3 लिया जो है ये रहा, 3 भी आना था, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 ये आ गया, 5 साल ले लिए थे, ठीक है, 5 ये भी आने थे, अब आ गया जी, 3 × 6 = 5 × 30, ठीक है जी, 3 आना था, 3 रह गया था, यहां पर अनुपात भी आना था, ईयर मैंने छोड़ दिया था इसलिए थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ तो बहुत ही सिंपल आ रहा है, एक बैग लाल और हरी 160 गेंदे हैं, जिसमें हरी 40% है, तो लाल कितनी है, तो 160 का आप 40% निकाल लो, 40% का मतलब हो गया 40/100, 160 का 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 6 × 24, ठीक है, 4 × 2 = 64 आ रहा है, कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, ठीक है, 64 आ रहा है। अब इन्होंने टोटल, ये तो होगी हमारी हरी गेंदे, तो यानी कि, या उल्टा भी कर सकते हो बच्चा, एक और बताता हूं आपको, 160 × 60/100 कर लो, मतलब यहां पे 40 है ना, 40 हरी हुई, तो लाल कितनी हुई, लाल हुई 60, तो ही बना ना 100%, तो 100 ऐसे भी कर सकते हो, 0 से ये 0 के, 6 × 6 = 36, और 6 × 6 = 6, 3 = 9, 96, तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है 96, और नहीं है तो 64 - 160 कर लो, तो भी 96 आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये थे, भिन्न बताएं, बड़ा सिंपल सा सवाल था, ठीक है, तो 25/100 कर लेना था, 1/4, बड़े सिंपल से सवाल आ रहे हैं भैया, ठीक है। इसके क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी, दिस इंटू दिस, इसको इससे करना था, यानी कि 8x = 24, तो x = 3, तो ये सिंपल से सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में, मजा लग गया, मजे लग गए आप सबके, है ना, मजे भैया मजे आ रहे हैं, 35 ये है, 15 ये है, 5 × 5 = 10 हो गए, ठीक है, 3 × 1 = 4 हो गए जी, 40 हो गए, है ना, 40 कहां से हो गए, वो बात होगी, 5 × 5 = 10 हो गए, 0, 3 × 1 = 4, 1 = 5, 50 हो गए, 50 - 1 कर लेना, है ना,
ठीक है, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 49/7, 7 ही आंसर आ जाएगा ना, कट जाएगा ये, ठीक है, तो ये आंसर होगा। 45 डिग्री पूछा था मैंने, बताया आपको डिग्रीज याद ही कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 आ गया। ये 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, तो साइन की पूछी थी, साइन 45 होता है ये, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है भैया। इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि आपका पेपर इजी नहीं आएगा, आपका कल भी पेपर इजी आएगा, आपने बस इन क्वेश्चंस के बेसिस पे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। फटाफट प्रथम सम संख्याओं का औसत बताएं, सम संख्याएं आ गई हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, लिखी हुई हैं आपके सामने, और कितनी संख्याएं हैं आप गिनिए, 10 और 8, 18, 18 और 6, 24, 24, 28 और 2, 30 हो गई, 30/5 हो गया, तो 5 × 6 = 30, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, औसत से पक्का आ रहा है क्वेश्चन इस टाइप का, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, अब ये वर्ग है तो इसके विकर्ण कितने बने, 2 ही बनेंगे ना डायगोनल, तो 2 ही आंसर होगा भैया, बहुत ही सिंपल सवाल है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, आप बोल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर पेपर इजी आ रहा है ना बच्चा, तो मेरिट भी हाई जानी है इस बार, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, मेरिट हाई जाएगी अगर पेपर इजी आ रहा है तो इसलिए पेपर इजी आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि 40+ क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट हो, 40+ एक्यूरेट क्वेश्चन करिए, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी। 1300 रुपए की धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का जो है साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है और रेट पूछा हुआ है, तो आपको पता ही है SI का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, P × R × T/100, तो 650 ये हो गया, 1300 ये हो गया, रेट पूछा है, टाइम 10 साल, अपॉन में भी 100, 0 से 0 गया, 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, और इस 0 से ये 0 गया, तो रेट आ गया आपका कितना, कितना आ गया भैया, आपके भी यहीं से क्वेश्चन आए थे ना, 5%। ठीक है, मैच करो अपना अपना आंसर, क्या आपका पेपर यहीं से आया था कि नहीं आया था। नेगेटिव मार्किंग भैया कितनी रहती है वो भी बता देता हूं, 0.25। ठीक है, 0.25 मतलब 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर चला जाता है, ये समझ लीजिए, या 4 नंबर के हो गए ना आपका, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये समझ लो कि आपके 2 क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन का अगर आप लेते हो, बन गए उसके 4 नंबर, तो उसमें से 1 नंबर पॉजिटिव में से आपका लेस हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, निम्न में से 2 से विभक्त है, ये 2 से डिविजिबल पूछा था, पर ऑप्शन बच्चे ये बता रहे थे कि 24 ऑप्शन थी वहां पर, तो हमने ये डाल दिया डायरेक्ट। अब ये सीधा एलसीएम था, सरल करो, तो इसका एलसीएम ही लेना था बेटा, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो 9/8 आंसर आ जाना था इसका, कितना आ जाना था, 9/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे एलसीएम का आया था, देखिए तो हाईएस्ट वैल्यू 72 है, तो 72 है। एक आयत है कि लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 15 × 8 कर लो, 120 आ गया। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल से सवाल आए हैं और आ रहे हैं, इसी प्रकार से आने हैं आपको। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज का एनालिसिस कैसा लगा, तो जरूर बताना है आपने, और हमने और क्वेश्चंस लेकर आने हैं, कल फिर से हम नई क्लासेस के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ जो आपको आ रहे हैं ना उसी के ऊपर हम देखेंगे। तो बने रहना हमारे साथ इसी चैनल पे, विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना, और अगर आपने मॉक लगाने हैं ना बच्चा, तो हमारी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, विजयपथ के नाम से आपको एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करिए या vijaypatheducation.com पर जाइए, छूट मिल रही है बहुत ज्यादा छूट पे, 95% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है, वहां पर आप कूपन कोड लगाइए, कूपन कोड भी सामने बताया गया है, सिर्फ 95% सबसे ज्यादा सस्ता प्राइस रहेगा, और आपको वीडियो क्लासेस के साथ कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी, और फिर मैं नए क्वेश्चन और नए वीडियोस के साथ एनालिसिस करूंगा जो कि हमारी अगली क्लासेस के लिए रहेगा।
तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।